शुभ कामनाएं। My esteemed friend, who is the one of the chief architects of this concept, this project, my dear friend, my dear brother, C.K. Zubair Sahab, our respected Majid Sahab, our respected president of this Grama Panchayat, Mohtarma Nafisa, our my friend Mr. Ajit Deepchand Kumar, Rashid Sahab, Balakrishnan, and all the my dear friends, the coordinators, my dear friends who are very some important, all are important, but some of our well-known persons of this region are present in this august occasion. My friends, brothers and sisters, I am not here to make a speech. I am here to be with you, to spend some time with you, to interact with you, and to learn from you, to learn from you. यह बहुत सुनहरी मौका है आप जैसे बहुत बड़े मेहमानों के साथ रहने का, आपसे बात करने का, आपके जो जज्बात का तब्दील ख्यालात का इसलिए मैं बहुत खुश हूं, शुक्रगुजार हूं। मेरे दिल की तमन्नाएं आप हजरात के साथ हैं और मेरे लिए भी ये बहुत मैं इसलिए यहां आया हूं आपको बधाई देने के लिए, आपको सम्मान करने के लिए, आपको एहतराम करने के लिए। इसलिए मैंने मेरे दोस्त जुबैर साहब से कहा, मैं वो टीचर हजरात को अलग देखना चाहता हूं, अलग बैठ के आपको पहचान के, क्योंकि आप हमारे बड़े मेहमान हैं। मैं जानता नहीं हूं कैसे आप लोगों को सम्मान करना है, कैसे आदर करना है। मुझे एक शेर याद आता है, मैं ख्याल और ख्वाब की महफिलें न बकद्र सजा सका, मैं ख्याल और ख्वाब की महफिलें न बकद्र सजा सका, तेरे एक नजर के साथ ही मेरे सब इरादे बदल गए। आप जैसे इतने बड़े मेहमानों को देखकर मेरे इरादे ही बदल गए। फिर मैं क्या करूं, क्या कहना है, क्या करना है, कैसा आदर करना है, क्या क्या तोहफा देना है।
मैं ख्याल आपकी महफिले मैं ख्याल आपकी महफिले नबकद्र सजा सका तेरे एक नजर के साथ ही मेरे सभी इरादे बदल गए। तो आप हमारे केरल के मेहमान हैं, असातिज़ा है, असातिज़ा है, असातिज़ा वो नस्ल है, वो तबका है जिनको हम बेहद एहतराम करना है। आइंदा नस्ल असातिज़ा के हाथों में है, आइंदा नस्ल को, नस्ल को आप समझते हैं मेरे ये नस्ल समझते हैं क्या? या हिंदी है या उर्दू है? आप लोगों के ज्यादा उर्दू है, ओके ठीक है। आइंदा नस्ल को पैदा करना, उनको हमारे जो इकदार के मुताबिक मोल्ड करना, उनको मुस्तकबिल के लिए तैयार करना। मुस्तकबिल इंसानियत के सामने उतना अच्छा नहीं है, अच्छा बनाना है, उनको ठीक करना है, बहुत मसाइल है, दर्दनाक तजर्बे हैं माजी का और मुस्तकबिल के लिए उसे सबक पढ़कर, सबक फिर पढ़ सुजायत का सदासत का सुजायत का इकाम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। ये इसके लिए तैयार करना है, इसके लिए मोल्ड करना है, ये बहुत भारी है जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी है जो जिसको हम अदा करना है चाहिए। और जो यहाँ को राशिद साहब बोलते तो मैंने सुन रहा था, मैं सुन रहा था ख्वाब के बारे में। ख्वाब ऐसा एक चीज है जिसके हमको सुनिए क्या क्या मुतशाबिह चीजें हैं हमारे तकाबतों के बीच में। रुक जाना है, खत्म करना है, अगर हम आवाज सुनते था न सुनते तो फिर उज्र है, ठीक है ना, ओके। तो आप यहाँ तो हम बांग सुनते हैं, आपके भी उर्दू में बांग है और वो फारसी से आया है, वो इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया बांग। क्या आप जानते हैं कैसे ये लफ्ज मलयालम में आया? क्योंकि हर जुबान एक दूसरी जुबान से मिलती जुलती है, सकाफत भी ऐसा है। हमारा जो संस्कृति है, संस्कृति एक अलग चीज नहीं है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से अलग नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, वहदत अक्सरियत के बीच में, अक्सरियत के बीच में वहदत की वहदत है।
नाचते हैं, अल्फाज का भी एक नाच होता है। एक जुबान का कोई जागीरदार नहीं है, इसको कोई जागीरदार नहीं है। ये हमारे जो कॉमन विरासत है, मजमुई विरासत है, इस विरासत को जिंदा करके, फिर भी एहिया करके, तजदीद करके, हमारे सकाफत को, हमारे मुल्क को, मुल्क के जो इतिहाद को ज्यादातर मजबूत करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है आजकल। क्योंकि आजकल तबकों के बीच में दूरी पैदा करने के लिए, अदावत और दुश्मनी पैदा करने के लिए कोशिशें काफी और है। रईयत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, रईयत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दूरी मिटा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दूरी मिटा दे, फिर एक नया शिवाला इस देश में बना दे। नया शिवाला क्या होना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, आप जानते हैं, मोहब्बत से बनाना चाहिए, मोहब्बत से, रवादारी से, उल्फत से, हमदर्दी से, जो जो आपस में जो भाईचारगी से उसको बनाना चाहिए। दुश्मनी से कुछ नहीं होता। अब मैंने एक लफ्ज बांग के बारे में आपसे जो बात बोल रहा था, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं मलयालम जुबान में, मलयालम जुबान अरबी जुबान से बहुत करीब है अल्फाज के नुक्ते नजर से और संस्कृत से भी। अगर मैं साफ मलयालम बोलते तो आप लोग समझ सकते हैं, अल्फाज समझ सकते हैं। मतलब क्या मैं बोलूं? बोलूं मलयालम एक जुमला, एक सेंटेंस, सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए, ज्ञान ज्ञान, मैं आकाशत नक्षत्रम, यह कंडो कंडो देखा, मैंने आसमान में नक्षत्र को देखा, ज्ञान आकाशत नक्षत्रम कंडो, आकाश आप समझ लिए, नक्षत्र भी समझ लिए, जैसे बहुत सारे खेदम दुखम भाग्यम निर्भाग्यम संतोषम संदापम, मलयालम अल्फाज क्यों, हमारे संस्कृत भाषा इतने गहराई का भाषा है और सारे हिंदुस्तानी जुबानों को अल्फाज दे दिया, अरबी भी। हमारे बड़े लीडर, हमारे सेकुलर इंडिया का बहुत बड़े लीडर, पहले जो प्राइम मिनिस्टर आए वजीर आजम हिंदुस्तान का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सियासतदान, अदीब, फनकार, आलिम, सब कुछ थे नेहरू, नेहरू जी, जवाहरलाल। क्या आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू वो लफ्ज है ना, वो नाम शुरू भी अरबी है, इख्तिताम का लफ्ज भी अरबी है, जवाहर जौहर, मोहम्मद अली जौहर जौहर,
उन्हीं जौहर है, मोहम्मद अली जौहर का उन्हीं जौहर है जवाहरलाल का, जवाहर बन गया। ये तो एक लफ्ज दूसरे एक भाषा में आकर कुछ उसमें कोई बात नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और नहर 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 नाला नदी नदी नदी, हम मलयालम में भी नदी कहते हैं, यहाँ एक नदी है बिल्कुल करीब। कल सुबह को जाकर नहीं नहाया, आजकल बहुत खतरनाक बारिश हो रहा है, नहीं नहाया। आपका हिफाजत भी हमारे हाथों में है, ऐसा नहीं कीजिए। नदी देखना, देखकर गुनगुनाना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। नदी कॉमन मलयालम लेक्स है, क्योंकि उर्दू को, हिंदुस्तानी को, हिंदी को और मलयालम को ये शब्द संस्कृत भाषा ने दे दिया। तो हिंदुस्तान मैं संस्कृत का एक श्लोक याद आता है, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, समझ लिया, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, नालंद्रुदो मूर्धजा वाणेकासमलं करोति पुरुषम्, या संस्कृता थायते, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम। स्नानम नहाना, वही चीज नदी में जाकर, हाँ मलयालम में भी हम कहते हैं स्नानम, हाँ स्नानम, न विलेपनम, जैसे हम तेल से करते हैं, हाँ उस जमाने में विलेपन करते हैं, आजकल स्प्रे करते हैं, जैसे बाइक में हमारे भाई सैनिटाइजर किया। विले न विले न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, मलयालम में हम कुसुमम कहते हैं। तो आपको अब हमारे मलयालम को भी आदर करना होगा। मलयालम ऐसा ही कोई कोई जबान, छोटा छोटी सी जबान नहीं है, कामिल बहुत बड़ा जबान, अच्छा जबान, अच्छी जबान, कदीम, हाँ कदीम, हाँ ड्रेविडियन लैंग्वेज से वो कदीम है। अब आप बोलते हैं या मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं, आप बोलते हैं या मैं बोलता हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं माइक दूंगा आपको, आप बोलेंगे मैं बोलूंगा। उठो, तुम भी उठो, मैं भी उठूं, हम सब उठे, उठना चाहिए, उठाना चाहिए, यह है आपका ये प्रोजेक्ट, हमारे कौम को उठाना चाहिए, जगाना चाहिए, जागना चाहिए, जगाना भी चाहिए, उठाने के लिए फिर पहले हम उठना चाहिए। ये है मसला, अब ये है मंजिले मकसूद, ये है मंजिले मकसूद, इसके लिए काम की जरूरत है, साया क्या भी जरूरत है, साया, जिसके साये में आप हजरात अब इकट्ठे,
अंधेरी रात्र है, साया भी न हो सकता है। अंधेरी रात है, साया भी न हो सकता है, फिर कौन है ये मेरे साथ साथ चलता है। अंधेरी रात है, साया फिर कौन है साथ साथ आता है चलता है, उसको पहचान है। अंधेरी रात में भी साथ निभाने के लिए, साथ होने के लिए दोस्त चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए, ऐसी दिल लजीज दोस्त चाहिए, दोस्ती भी चाहिए। ज्यादा लंबा लंबी तकरीर करने के लिए मैं चाहता हूँ आप लोगों को देखकर इतनी खुशी हुई, मसरत हुई, फखर हुई, फखर महसूस हुई कि आपसे हाजिरी में आके ये छोटे से अल्फाज कहके, क्योंकि केरल में आना, केरल में भी आप बहुत इंस्टीट्यूशंस विजिट करते हैं, किया है और फिर भी करेंगे आइंदे दिनों में, सीखना आप लोग सीखिए क्या हो रहा है। और मैं बस एक बात कहने चाहता हूं, तालीम है, तालीम ही है मसले का हल, बुनियादी हल। और कोई नहीं, एजुकेशन, एजुकेशन बस एजुकेशन। नॉर्थ इंडिया में अब तो शिमाली हिंद में उसकी जरूरत और बढ़ा, जनूबी हिंद से भी बढ़ा, यहाँ भी है वहां भी है जरूरत, गुंजाइश है, मानवीयत है, लेकिन वहां ज्यादा है तालीम। कल सर सैयद का दिन था, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़िया, कल या क्या है उस दिन का मनाने का संदेश क्या है, पयाम, पयाम संदेश भी मलयालम में है, संदेशम। न चिट्ठी न कोई संदेश, किसने गाया है, जगजीत सिंह, मार्क आपने ले लिया, कंग्रेचुलेशन। तीन कोई संदेश, संदेश हम मलयालम में संदेशम, हम लबों को अलग नहीं करते, संदेशम, संदोषम, दुख दुखम, भाग्य भाग्यम, आकाश आकाशम, नक्षत्र नक्षत्रम। सीख लिया मलयालम, सीख लिया थोड़ा थोड़ा सीख लिया। मैंने आपका काम आसान रखा भाई। आसान कर दिया, आसान करना है, न कठिन, न कठिन कोई कठिन नहीं, कठिन है राह गुजर, कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। ऐसे दोस्त चाहिए, साया चाहिए, कठिन है दूर साथ चलो, चलो हम साथ चलना है। We have to live together. We have to go forward together. Same nation, one country, one culture. Our India, great India, great India.
इंडिया दैट गेव बर्थ टू ग्रेट ग्रेट लुमिनरीज ऑफ द पास्ट ग्रेट मेनी रिलीजियंस मेनी सिविलाइजेशन आप जानते हैं फिलहाल तो गोरखपुरी को कोई गोरखपुर वाला है यहाँ गोरखपुर से कोई नहीं ओके यूपी से यूपी में है गोरखपुर नोबडी फ्रॉम यूपी लेकिन आप गुजरात गोरखपुरी को जानते हो बड़े बड़े शायर बड़े शायर रघुपति सहाय फिलहाल सी उसमें भी एक सकाफती कुछ उसमें कुछ सकाफती असरार है रघुपति सहाय को फिराक बन गया फिराक फिराक का या का फारूक वही लफ्ज से हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के ब्रदर्स लाल सलाम कहने का एक लाल सलाम है ना सलाम अस्सलाम वालेकुम लाल सलाम इस्लाम ये सब कुछ एक अरब शब्द से है सिल्म असलुल उसूल सिल्म से इस्लाम आ गया सलाम आ गया लाल सलाम आ गया अस्सलाम वालेकुम आ गया पैगंबर ने मुझे एक नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी में अव्वल है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका नाम आ गया आसमान से सलाम आ गया आसमान से दुरूद और सलाम आ गया एक और नाते याद आता है कोई जुस्त जो है लब पे कोई जुस्त जो कोई गुफ्तगु है लब पे जुस्त जो यहाँ है गुफ्तगु कोई गुफ्तगु है लब पे मेरा नाम आ गया है तेरी मदह करते करते ये मकाम आ गया है और आप जानते होंगे हिंदुस्तान के काफी हिंदू शुआरा और हमारे हिंदू ब्रदर्स हिंदू कम्युनिटी से है शुआरा पोएट्स वो हैव प्रेज्ड द पोएट फॉर प्रेज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हैव रिटन मेनी मेनी ब्यूटीफुल पोएट्स आई हैव ए बुक विद मी मेरे पास एक किताब है सब नाते शरीफ है और सब शोरा सारे शोरा हिंदू शोरा है ये है हिंदुस्तान गंगा मिली जुली गंगा जमुनी तहजीब मिली जुली गंगा जमुनी तहजीब को साथ लेकर आगे चलना है प्रतवारियत को दुश्मनी को मिटाया है एक ही तो मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपसे बोल रहा था नेहरू नेहरू जी 1958 फरवरी में दिल्ली में एक बड़े बड़ा कॉन्फ्रेंस में तकरीर कर रहे थे तकरीर के बीच में नेहरू जी ने कहा मैं उर्दू स्कूल जाकर नहीं सीखा नहीं सीख लिया उर्दू सीखने के लिए मैं स्कूल नहीं गया तो सारे लोग जिन लोगों ने नेहरू जी को सुन रहे थे वो हैरान हो गए क्या नेहरू को उर्दू नेहरू उर्दू जानते नहीं चले बड़े स्कॉलर है अदीब है राइटर है मुसन्निफ है तो उर्दू नहीं जानते नेहरू जी को एक आदत था
बात करने के करते बीच में वो पोज कर रहा था समय, तो नेहरू पोज, नेहरू ये करके कुछ देर तक खामोश रहे। फिर नेहरू जी ने कहा, मुझे उसके जरूरत नहीं थी, मैं मेरे घर की जुबान थी, मैं उर्दू घर से सीख लिया। यह है उर्दू, हिंदी हिंदुस्तानी हिंदी सिस्टर लैंग्वेजेस, लेकिन आजकल भाषा के नाम में, मजहब के नाम में दूरी दुश्मन, यह है बड़ा प्रॉब्लम। दिस इज वन ऑफ दी मेजर प्रॉब्लम एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर, स्टैंड टुगेदर टू रिमूव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टू वर्क फॉर द यूनिटी, सोलिडारिटी, इंटेग्रिटी ऑफ अवर कंट्री, अवर कल्चरल यूनिटी, सेम सैम सेम प्लेस। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई हम्बली कंक्लूड माय रिमार्क्स। आई कंग्रेचुलेट दिस पैनल, आई वुड लाइक टू You are the Serve India project. Congratulations to this project. And I wish you all the best. My good friends, teachers, and I wish you very good days in Kerala. Kerala is a beautiful place, as you know. And a place of historical traditions, heritage. You have to see, you have to learn. You can see a lot of things, you can learn a lot of things. And when you return to our other places of our country, your own home places, you can tell them about your Kerala experience. Tajruvai Kerala. Tajruvai Kerala ke नाम पर आपको आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मैं राज्यसभा का मेंबर था पहले, उस वक्त जनूबी शिमाली हिल से एक लेडी एमपी, एक लेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केरल विजिट करने के लिए यहां आई। दूर मुझे से नारे गए हैं, बहुत दूर मुझसे कनारे गए हैं। कनारे मुझे याद है, याद आए। दामता है दिल तेरा अंदेश तूफान से क्या ना खुदा, तू धरती भी तू बहर भी तू साहिल भी तू, आह किसकी जुस्तजु आवार देखती है तुझे, ब्याह तू रहरू भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू। और तालिबे इल्म नौजवान नस्ल के लिए कोई डरने की बात नहीं, किसी महदी को इंतजार कर बैठने का भी जरूरत नहीं। काम हम ही करना है, ख्वाब हम ही देखना है। जो आवार रखती है तुझे, राह तू रह रूप तू रह बल भी तू मंजिल भी तू। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।